वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो सर वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं मगर डिटेल भी बोलूंगी. वर्ड्स लाइक बनेगा मिलेगा ये सब हो गया अभी हम वो नहीं है जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं बन गए मिल गए और आ गए यही हो रही है शब्दावली. मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग अभी बिजली आ गए गैस कनेक्शन मिलेगा आज गैस कनेक्शन मिल गया वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में अभी मिल गया पीएम आवास का घर बनेगा अभी पीएम आवास का घर बन गया टॉयलेट्स बनेगा करते थे अभी टॉयलेट बन गए गांव में सड़क बनेगा बोलते थे अभी गांव में सड़क हाईवेज बनेगा करते थे अभी हाईवेज ब्रिजेस बनेगा करते थे अभी ब्रिजेस पोर्ट्स बनेगा करते थे अभी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे अभी एयरपोर्ट्स बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे अभी बैंक अकाउंट्स किसान और एमएसएमई को इसी लोन मिलेगा करते थे अभी किसान और एमएसएमई को इसी बैंक लोन मिल गए सस्ती दवाई सस्ती दवाई सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया आसानी से राशन मिलेगा करते थे अभी आसानी से राशन मिल गया इसीलिए सर इसका समझ आवश्यक है एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं हम जनता के सपने साकार करते हैं एंड वी बिलीव इन एम्पावरिंग ऑल एंड अपीसमेंट ऑफ नन सर एक मिनट वित्त मंत्री जी एक मिनट वित्त मंत्री एक मिनट विराजे आप भी बैठे मैं एक मिनट दादा मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं न इधर न उधर कोई भी जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो नारेबाजी न करे ये व्यवस्था दे दी है न इधर से न उधर से कोई नारेबाजी नहीं करे सदन में वक्ता जब बोल रहा है तो वक्ता बोले नारेबाजी न इधर से हो न उधर से हो माननीय वित्त मंत्री जी अरे दिन जो नारे लगा नहीं प्लीज वित्त मंत्री जी सर आप माननीय सदस्य बैठे बैठे कोई टिप्पणी मत कीजिए नौ मंत्री जी टिप्पणी मत कीजिए बैठे बैठे सर माननीय स्पीकर सर माननीय स्पीकर सर 9 साल में इतने स्पष्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर सर 2014 में was only 3.92 lakh crores. Capital expenditure public ka infrastructure banane ke liye karch upyog mein aata hai. 3.92 lakh crores has become today 10.9 lakh crores. Sir,
एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात किए। एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 21,933 करोड़ था, आज वो बढ़ करके 1,25,000 करोड़ हुआ है, 5-fold इंक्रीज। सर, इस देश में फॉरेक्स रिजर्व्स 313 बिलियन था मई 2014 में, वो एक्चुअली आज 600 बिलियन है जून 2023 तक। सर, माननीय रक्षा मंत्री बैठे हैं इधर, डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1,941 करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 16,000 करोड़ हुआ। सर, किसानों को क्रेडिट मिलने में बहुत ही दिक्कत था पहले, 8.5 लाख करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 21.67 लाख करोड़ हो गया। सर, इस देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें फूड सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए। 265 मिलियन मेट्रिक टन्स था 2014 में, वो बढ़कर के 323.55 मिलियन मेट्रिक टन्स हो रहे। दलहन के प्रोडक्शन पल्सेस 1.52 मिलियन मेट्रिक टन्स था, 1.52 लाख मेट्रिक टन्स था 2014 में, वो आज 82.21 लाख मेट्रिक टन्स तक पहुंच गए। सर, किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट देने वाले एथेनॉल प्रोडक्शन 38 करोड़ लीटर्स था 2014 में, आज वो 434 करोड़ लीटर्स हुआ। इस ऐसे ही टैप वाटर कनेक्शन, हर घर में पानी, नल से जल स्कीम, वाटर अफेयर्स, वाटर मिनिस्ट्री, इधर रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर बैठे हैं, 3.2 करोड़ हाउसहोल्ड्स में वाटर पहुंचा है, पानी, पीने के पानी पहुंचा है 2014 में, मगर आज वो बढ़कर के 12.7 करोड़ हाउसहोल्ड तक पहुंच गया 2014 में। सर, गांवों में घर आवास बनाने के कार्यक्रम, रूरल हाउसेस 1.79 करोड़ था 2006 से 14 तक बनाए हुए, मगर आज वो 2.9 करोड़ तक पहुंचे, 55% इंक्रीज। सर, यूनिवर्सिटीज इस देश में 723 थे 2014 में, आज वो बढ़कर के 1,113 यूनिवर्सिटीज है इस देश में, 390 नया जोड़े गए हैं, इसीलिए आप एवरेज सोच लीजिए, अप्रॉक्सिमेटली 44 नया यूनिवर्सिटी हर साल में हम बना रहे हैं। एयरपोर्ट सर 74 थे 2014 में, आज 148 है। हाईवे 91,287 किलोमीटर तक 2014 में था, आज वो 1,45,155 किलोमीटर। वाटरवेज 2014 में एक भी नहीं था, आज 111 बन गए। ऐसे ही मेगा फूड पार्क 2014 में दो ही थे देश में, आज 23 है। सर, ग्लोबल रैंकिंग में हमारे देश 2014 में 10वीं रैंक में था, आज हम ऊपर आ गए 5वीं रैंक में। सर, इसके अलावा बहुत सारे रैंकिंग है, मगर उसमें एक विषय मैं बोलना चाह रही हूं, मैटर्नल मॉर्टैलिटी रेट, जो महिला के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। 2014 में 167th रैंक में थे, 13 का रैंक है 167, आज वो रैंक 97 तक आ गए हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। सर,
जरूर जरूर बोलूंगी सर। एक्चुअली सर मुझे एक विषय बोलना चाहती हूं, क्योंकि पूरे एक दशक को वेस्ट किया यूपीए ने, पूरे बर्बाद हो गए, वेस्टेड वेस्टेड पूरे एक डिकेड है, क्योंकि करप्शन और क्रोनीज्म ज्यादा था। मगर आज एवरी क्राइसिस एंड एवरी एडवर्सिटी हैज बीन चेंज्ड इनटू अ रिफॉर्म एंड एन अपॉर्चुनिटी। उसके वजह से आज हम हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन में रह रहे हैं, वेयर एज यूपीए के समय लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन था कैरेक्टर। जनता ने नो कॉन्फिडेंस यूपीए के खिलाफ 2014 में और 2019 में उठाए और उनको हराए। वही हालत होगा सर 2024 में भी। सर कल जब माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, ये यूपीए के नाम क्यों बदलने का आवश्यकता हुई उसका बहुत विस्तार से बोले। मैं उसका एक जिक्र करना चाहती हूं सर। वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता को याद आ रहा, वो करप्शन, वो भतीजावाद, बाय क्रोनीज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे उन्हीं के यहां। मगर मैं ये बात सामने रखना चाह रही हूं कि कितना इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में TMC, कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर, एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना सर। कर्नाटका का हेल्थ मिनिस्टर आए थे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देने के लिए, और वो जाकर के बोले ये इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, हम डिसअपॉइंटेड है। ये लड़ने का उदाहरण एक है सर। सर जनधन योजना लॉन्च करने के बाद सर, अगस्त 2014 में, फिर डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद 2015 में, भारत हैज बिकम पैसिव, नो लॉन्गर रिमेन्स अ पैसिव अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इट इज एन एक्टिव प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया। एक प्रथा, एक मान्यता थी कि पहले पश्चिमी देशों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर बाद में इंडिया में। ये सोच बदल गई है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर, ग्लोबली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर कितना वाहवाही तारीफ हो रही है। एंड आज हम UPI को फ्रांस को एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंगापुर को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको उपयोग कर रहे हैं, कनाडा को उपयोग कर रहे हैं, हांगकांग, ओमान, कतार, USA, सऊदी अरेबिया, UAE और यूनाइटेड किंगडम भी उसमें रुचि लेकर के उनमें से कौन सा ऐसा एक स्टैक से एक निकाल सकते हैं जो उनको उपयोग में आएगा। ऐसे हमारे UPI
पूरे दुनिया में जारी है, उसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में है। डिजिटली हम एडवांस्ड है, डिजिटल पब्लिक गुड्स के विषय में G20 में भी बहुत तारीफ हो रही है। और IMF उनके स्टेटमेंट में ये मान रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत सारे काम करने के बाद एक्चुअली आज लोगों को दुनिया के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 IMF के